नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद। और जैसा कि आप ये फूल देख रहे हैं, ये कनेर का फूल है। और लगभग जो कनेर की जो वैरायटी है, 3 से 4 प्रकार की वैरायटी होती हैं। ये जो आप फूल देख रहे हैं, ये ऑरेंज कलर का फ्लावर है। और लगभग इसमें जैसा कि ये येलो कलर का भी इसमें जो कनेर है होती है, और जो वाइट कलर की कनेर है इसमें होती है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कनेर का जो पौधा है, हम बीज से किस प्रकार तैयार करें। और जैसा कि आप ये बीज देख रहे हैं, ये कनेर का बीज है। और जो कनेर के बीज बनके तैयार होते हैं, वो अप्रैल से मार्च से लेके अप्रैल तक इसके बीज बनके तैयार हो जाते हैं। आप ये जब देख लें, ये आपका जो बीज है, ये ऊपर का कवर जब काला पड़ जाए, तो समझ लीजिए आपका बीज जो बीज है वो बनके तैयार हो चुका है। तो इससे आप पौधा तैयार कर सकते हैं। जब ये आपका जो बीज है ऊपरी भाग हरा रहे, तो समझ लीजिए जो वो बीज है वो लगाने लायक नहीं है। तो चलिए हम कुछ 3 से 4 इस बीज तोड़ लेते हैं, फिर आपको हम बताते हैं कि इसको किस प्रकार ग्रो करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए हम 3 से 4 बीज लेके आ चुके हैं। और जैसा कि आप ये बीज देख रहे हैं दोस्तों, ये इसका कनेर का बीज नहीं है। ये जो ऊपर वाला भाग देख रहे हैं, इसके जो कवर है, इसके अंदर इसका जो कनेर का बीज है वो निकलता है। तो चलिए हम ये बीज निकाल लेते हैं। और जब भी आप ये बीज निकालें, तो बड़ी आराम से निकालें, सावधानी से निकालें, जिससे कि जो अंदर वाला भाग है वो डिस्टर्ब ना हो पाए। तो चलिए, जैसा कि आप ये वाइट देख रहे हैं, ये कनेर का बीज है। अगर आपको दोस्तों ये डायरेक्ट लगाना हो, तो इससे क्या होता है, जो कनेर की जो अगर डायरेक्ट बीज लगाएंगे, उसका कवर अलग नहीं करेंगे, तो जो आपका सीड का जर्मिनेशन है बहुत लेट होगा। और अगर आप इस प्रकार लगाएंगे, तो आपका जो सीड्स का जर्मिनेशन फास्ट हो जाएगा। तो चलिए, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये कनेर का बीज है। और लगभग जो एक सीड जो उसका कवर है, उसमें लगभग 2 बीज इसके कनेर के मिलते हैं। तो चलिए सभी जो बीज हम निकाल लेते हैं। दोस्तों, वीडियो को आप आखिर तक देखते रहे, क्योंकि मैं इसका आपका पूरा अपडेट दूंगा कि ये कितना समय में ये इस प्रकार से ग्रो होता है। तो चलिए, कुछ बीज हमने ये निकाल लिए हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, कुछ बीज हमने ये निकाल के 3 से 4 घंटे पानी में भिगो के रखे हैं, जिससे कि जो बीज हैं पानी सोख लें। तो चलिए, इसके लिए हमने एक छोटा सा पॉट लिया है, जो कि 5 से 6 इंच पॉट है। और जो हमने इसको बीज को ग्रो करने के लिए जो हम पॉटे मिक्स लिए है, वो हमने 80% हमने इसमें कोकोपीट ली है, और 20% इसमें हमने बर्मी कंपोस्ट मिलाया हुआ है। तो चलिए, इसमें हमने पॉट में भर लिया है, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं। और इसके बाद हम ये जो बीज है, इसमें हम लगा देंगे। तो लगभग इस पॉट में हम 4 बीज लगाते हैं, क्योंकि जब भी आप कोई भी बीज लगाएं, तो एक से ज़्यादा बीज लगाएं, क्योंकि अगर एक बीज ग्रो नहीं होता, तो आपका जो दूसरा बीज है वो ग्रो हो जाएगा। चलिए, इसमें हमने 4 बीज लगा लिए हैं। इसके बाद जो पॉटे मिक्स है, उसको आप कवर कर दें। और इसके बाद जो पॉट है, इसको आप ऐसी जगह रखें जहाँ से 2 से 3 घंटे की लाइट मिले। लगभग 12 दिन हो चुके हैं, इस पॉट में हमने 4 कनेर के बीज लगाए हुए थे। और अभी इस पॉट में हमको एक ही जो बीज का जर्मिनेशन है वो दिखाई दे रहा है। तो अभी हम उसका और देख लेते हैं कि और कितने बीज इसमें जर्मिनेट होते हैं। और दोस्तों, इस पॉट को आप ऐसी जगह रखें जहाँ से कि जो सुबह की सूर्य की रोशनी है, 1 से 2 घंटे इस पॉट में मिले। और जो इसकी पानी की बात करें दोस्तों, इसको आप रेगुलर वाटरिंग करें, जो इसकी मिट्टी है सूख ना पाए। अगर इसकी मिट्टी सूख जाएगी दोस्तों, तो इसकी जो रूट्स हैं प्लांट की, अभी बहुत नाजुक होती हैं, तो आपका जो प्लांट है मर सकता है। दोस्तों, जो कनेर का प्लांट है, इसमें लगभग 12 महीने फूल आते हैं। और इसको आप पॉट में भी लगा सकते हैं, और अगर इसको आप ज़मीन में लगाते हैं, तो इसकी कोई भी केयर नहीं करनी पड़ती, और इसमें बहुत सारे इसमें फ्लावर आते हैं। तो चलिए, अभी इसको और वेट करते हैं। लगभग 25 दिन बाद इस पॉट में हमने 4 बीज लगाए हुए थे, और हमारा एक ही बीज बहुत ही बढ़िया जर्मिनेट हो चुका है। तो चलिए, कोई बात नहीं, हमारा ये जो एक प्लांट है बनके तैयार हो चुका है कनेर का। तो आप ये देख रहे हैं, इसकी बहुत ही बढ़िया इसकी ग्रोथ हो चुकी है। और अब समय आ गया दोस्तों, इसको आप सेपरेट पॉट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अगर आपको इसको पॉट में लगाना है तो। तो इसी प्रकार जो कनेर के जो पौधे हैं, ये जो बीज हैं, एक छोटे से पॉट में हमने और लगा दिए थे। चलिए, हम आपको दिखाते हैं। ये देख रहे हैं, एक हमारा सॉन्ग ऑफ इंडिया की जो हमने कटिंग लगाई थी, इसमें हमने 2 बीज हैं जो कनेर के, इसमें हमने डाल दिए थे।
और दोनों बीज ये दो देख रहे हैं आप, बहुत ही बढ़िया ग्रोथ हो चुकी है और बहुत बड़े बड़े हो चुके हैं। तो अब हम इनको सेपरेट पॉट में कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार आप कनेर को बीज से लगा सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसको शेयर करें। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, इस जो पॉट है इसमें हमारा सॉन्ग ऑफ इंडिया लगा हुआ है। और ये जो सॉन्ग ऑफ इंडिया को अगर देखना हो कि कटिंग से हम इसको सॉन्ग ऑफ इंडिया किस प्रकार ग्रो करें, तो इसका वीडियो हमारे चैनल पर डला हुआ है, तो आप उसको चेक कर सकते हैं कि इसकी कटिंग हम किस प्रकार लगाएं। लगभग जो कनेर का प्लांट है जो हम बीज से ग्रो करते हैं, वो लगभग 2 से 3 साल में इसके जो फ्लावर हैं, अगर इसकी हम अच्छी केयर करें तो 2 साल में इसके फ्लावर आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।